नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा की खबर के साथ। मथुरा में सारक्षता शिविर का आयोजन हुआ, इस दौरान कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और माननीय जिला न्यायाधीश मथुरा राजीव भारती के निर्देशन में गुरुवार को चैत्य विहार महिला आश्रय सदन प्रथम द्वितीय सीताराम रास विहारी और लाल कुंज महिला आश्रय सदनों और कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन वृंदावन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सारक्षता शिविर का आयोजन सोनिका वर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की ओर से अध्यक्षता इसकी की गई। इस अवसर पर महिला आश्रय सदनों की अधीक्षिकाएं और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण के उपस्थिति में अधीक्षिकाओं की ओर से किए गए इस पूरे शिविर के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए, जिसमें कि वृंदावन के उपरोक्त 5 आश्रय सदनों में कुल 253 माताएं पंजीकृत हैं। इसमें 38 माताएं और अवकाश पर है, 2 माताओं का पुनर्वास और 2 माताओं की मृत्यु का होना, साथ ही साथ 211 माताएं उपस्थित हैं। मॉनसून का सीजन चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। जहां बारिश किसी के लिए वरदान है, तो वहीं बारिश किसी के लिए अभिशाप बन गई। दरअसल शामली में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। वहां पर मेन मार्केट में जल भराव की समस्या से लोग लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। शामली में आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर टापू बन गया। किस तरीके से लगातार गलियों में पानी भरा हुआ है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेन रोड हर जगह से 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। इससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मेन मार्केट में जल भरने से बुरा असर पिमला है। शामली के विभिन्न मोहल्लों में सीबी गुप्ता कॉलोनी, नेहरू मार्केट, माजा रोड, कबाड़ी बाजार, इन बाजारों सहित आधे घंटे की बारिश में 3 से 4 फुट भर गए। साथ ही साथ नालों की सफाई व्यवस्था न होने के कारण होने से समस्या लगातार चलती आ रही है। इस ओर नगर पालिका का भी अभी तक कोई ध्यान नहीं गया है। जिस तरीके से जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील हो चुकी है, नाले भर रहे हैं, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। किस तरीके से नगर पालिका को इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है, अब हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से जो है जो गलियों में मार्केटों में जल भराव की समस्या है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान है। वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी है उनके लिए बारिश सर दर्द बन चुकी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इसको लेकर व्यापारियों का क्या कहना है। उमेश कुमार। अच्छा उमेश जी, आज बारिश, आज कुदरत का जो रस बरसा है, पहली बारिश है, इससे फसलों को बहुत लाभ मिला, बहुत गर्मी से राहत मिली। जो एक बहुत टेम्परेचर इस बार था जो कभी पहले नहीं हुआ, उससे राहत मिली। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ कमी बहुत दिखाई दी, जो हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई पे प्रशासन को ध्यान देना था, गंदे नालों की सफाई होनी थी या अन्य जो नाले हैं उनकी सफाई होनी थी, या अंडरपास में जैसे जल भराव की समस्या है, वो फिर जो जस की तस आज सामने दिखाई दी। अभी हम आए तो इतनी थोड़ी ही बारिश में अभी अंडरपास में बहुत पानी भर गया, और पानी की निकासी आप जाके शामली शहर में देखो तो अभी से प्रभावित होनी शुरू हो गई। तो मेरा ये अनुरोध है कि प्रशासन को इस गंभीर समस्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो बरसात की शुरुआत है। किसानों के लिए बड़ा अच्छा रहा आज का दिन, उमस से गर्मी से राहत मिली, सभी यात्रियों को भी राहत मिली, और कुदरत ने जो है हमें तोहफा दिया है, इसकी जो है इसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन प्रशासन को भी इसमें अपने सहयोग पूरा करना चाहिए। जहां बारिश शामली में सरदर्द बनी, तो वहीं औरैया में बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। यहां पर बारिश होने से लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। एक ओर जहां भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी परेशान था, क्योंकि किसानों के खेत को इस समय पानी की काफी जरूरत थी। गर्मी की वजह से किसान के खेत सूख रहे थे, जिसको लेकर किसान काफी नाराज थे। किसानों की मुराद पूरी हुई और बारिश होने से किसानों को एक तरफ जहां गर्मी से निजात मिली, तो वहीं खेतों को पानी की समस्या से भी मुक्ति मिली। किस तरीके से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान की फसलें हैं वो लहराती हुई नजर आ रही हैं। किसान जो है अपनी फसलों की वजह से
काफी खुश हैं और उनकी फसलों की वजह से, खासकर बात की जाए अगर मूंगफली की फसल की, तो इस समय तैयार खड़ी थी और इस फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा था। साथ ही साथ बात की जाए अगर धान के पौध की, तो ये भी तैयार है जिन्हें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आप सभी को पता होगा कि धान रोपाई में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा, प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और बारिश ने उस समस्या को दूर कर दिया है। किसानों के लिए बारिश वरदान से कम नहीं है। जब बारिश हुई तो किसानों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है फसलें लहरा रही हैं, किसान काफी खुश है। आपको सुनाते हैं इसको लेकर किसानों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राहुल त्रिपाठी। कहाँ के निवासी हैं? सेगनपुर। जो आज बारिश हुई है इस पे क्या क्या कहना है आपको? है अच्छी बात है, बारिश हो रही, किसानों को फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। जो तुम्हारी फसल है गेहूं या मक्का है, मक्का की फसल है, इसमें क्या मक्का क्या नुकसान है? और जो मूंग की फसल खड़ी हुई है इसमें क्या उसका कोई नुकसान है? क्या नाम है आपका? रविकांत अवस्थी, ग्राम पोस्ट सेगनपुर, जिला औरैया। पिता का नाम? श्री तेज नारायण अवस्थी। जो आज बारिश हुई है जी, इसमें क्या फ़ायदा है जो फसल है? देखिए मानसून थोड़ा देरी से तो आया ही है, जो दानिक फसल वाले इंतज़ार कर रहे परेशान हैं। शरी के खेत हैं, थोड़ी और बाजरा की बुआई के लिए तो बारिश सही हो गई, लेकिन थोड़ा सा धानी की फसल के लिए और अच्छी धानी की फसल के लिए और अच्छी बारिश हो, मानसून सक्रिय हुआ है तो अच्छी से अच्छी बारिश हो, किसान को अच्छा से अच्छा लाभ मिले। अच्छी बारिश से किसानों के मन में खुशहाली आई। महोबा में दबंगों का हौसला बुलंद देखने को मिला। लगातार दबंगों ने यहां पर लोगों को परेशान कर रखा। इसी कड़ी में एक युवक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। उत्तर प्रदेश के महोबा में जिले में एक युवक ने 3 दबंगों पर लूटमार और साथ ही साथ मारपीट का आरोप लगाया है। इसको लेकर SP महोबा को सौंपे गए शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता ने दबंग लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के भटीपुरा पठारा निवासी राजा भैया का आरोप है कि घात लगाकर बैठे दबंगों ने खुलेआम उनके साथ मारपीट की और साथ ही साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जब उसके भाई उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे तो अवैध असले की बट से मारकर उसके भाई को भी घायल कर दिया। राजा भैया का आरोप है कि घटना की तहरीर देने के बावजूद भी अभी तक खाकी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो किस तरीके से इंसाफ की गुहार लगाते हुआ ये शख्स आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, किस तरीके से तहरीर देने के बावजूद भी इसको लेकर मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिखित में शिकायत दे दी गई है। SP से न्याय की गुहार करता हुआ ये शख्स, जिसका नाम राजा भैया है, दबंगों पर इसने लूटपाट का आरोप लगाया है। तो यूपी में किस से महोबा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, उसका जीता जागता प्रमाण है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से शख्स के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर झलक रहा है। दहशत के बादल शख्स के चेहरे पर साफ तौर पर झलक रहे हैं। दबंगों से किस तरीके से लूटपाट और मारपीट की है शख्स के साथ, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, अपनी आपबीती रखी, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो मेरे देवर को मार रहे थे लोगों के लाने को, हम लोग डरते थे। फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कोतवाली गई लोग, वहाँ से आए वापस तो कुछ उन लोगों ने कहा नहीं, सुना नहीं। फिर उसके बाद जब घर आए तो वो लोग आए, 4-6 लोग आए थे घर पर, तो गाली गलौज गंदी गंदी दे रहे थे। हम लोगों को भी खींचने लगे तो हम लोगों ने अंदर कर दिया। तो वो कट्टा अट्टा लिए थे, कहते कि निकालो धुबियों को, मांदर जो कितने बढ़ गए हैं, मतलब गाली दे रहे थे। तो इसलिए हमने इनको नहीं निकाला। फिर से हमने 100 नंबर फ़ोन लगाया तो वो लोग आए, फिर हमें ले गए कोतवाली, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आज कहाँ आई है? आज यहाँ आया SP ऑफिस। क्या चाहते हैं आपके? हम न्याय चाहते हैं सर, और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारे मारा है देवर को और हमारे पति को हमने मारा है, तो हम भी न्याय चाहते हैं, उनको पकड़ो और हमें न्याय। मथुरा में एक सिपाही का शव फंदे से लटकता हुआ नजर आया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद आसपास के लोग भी काफी परेशान नजर आए। नौजिल थाने से ड्यूटी कर लौट रहे शख्स
सिपाही का शव गुरुवार को सुबह किराए के मकान में कमरे पर फांसी से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। तरह तरह की चर्चाएं लोगों की ओर से की जाने लगी। जानकारी के मुताबिक मेरठ थाना बहमूसा क्षेत्र के गांव बराबली निवासी आशीष, जो उनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, वो रविंद्र सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात थे, जिसके बाद ट्रेनिंग के बाद से ही सिपाही की तैनाती मथुरा जनपद के थाना नौहझील में हो गई थी। वो नौहझील कस्बे के मोहल्ला रेतिया बाजार निवासी विपिन पाठक के मकान में साथी सिपाही रोहित धनगढ़ के साथ किराए का मकान साझा कर रहे थे। पास ही थाने पर तैनात अन्य सिपाही भी किराए के कमरे में रहा करते थे। आशीष थाने से ड्यूटी खत्म कर कमरे में लौटे थे। साथी सिपाही रोहित की रात में ड्यूटी लगी थी। जब साथी सिपाही रोहित गुरुवार रात लगभग 3 बजे कमरे पर पहुंचा तो आवाज देने पर गेट नहीं खोलने पर जब रोहित ने खिड़की से कमरे में झांका तो अंदर छत के पंखे पर आशीष रस्सी से फंदे पर लटकता हुआ पाया गया, जिसे देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आनन फानन में जानकारी देकर पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ देर में कोतवाल प्रदीप कुमार और CO नीलेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और सिपाही के आत्महत्या की सूचना पर अपने आला अधिकारियों के साथ साथ सिपाही के परिजनों को दी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस रखवा दिया गया है। थाना नौझील में नियुक्त आरक्षी आशीष कुमार कशव, उनके आवास पर पंखे से लटका हुआ मिला है। इस सूचना पर बॉडी को PM के लिए भेजा जा रहा है। उनके परिजन पहुंच रहे हैं और शीघ्र ही PM के पश्चात अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रथम दृष्टया शव क्योंकि पंखे से लटका हुआ मिला है तो पोस्टमार्टम के पश्चात ही घटना के स्पष्ट कारणों पता चलेगा। फिरोजाबाद में जिस तरीके से जो यूपी में रामपुर में अखिलेश यादव की हार हुई है, उसको लेकर सपाइयों की ओर से लगातार नाराजगी व्यक्त की जा रही है। उपचुनाव में जिस तरीके से हार देखने को मिली, सपा संरक्षण के समधी भाजपा नेता पूर्व विधायक हरिओम यादव ने रामपुर आजमगढ़ लोकसभा चुनाव सपा की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा समाप्त होगी। पहले पार्टी में पहले नेताजी के साथ जो हुआ, फिर शिवपाल सिंह यादव और अब धर्मेंद्र यादव की राजनीति खत्म हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर हमला करते हुए 2024 में सपा लोकसभा चुनाव में समाप्त हो जाएगी, विधानसभा चुनाव 2027 में इस पार्टी का कोई नाम नहीं लेगा, इन्हें शकुनी ने नष्ट कर दिया है, अखिलेश यादव का कोई भविष्य नहीं है, अखिलेश यादव ने शकुनी की शह पर परिवार खत्म कर दिया है, पार्टी खत्म, समाज खत्म किया है, ये अब कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव हुआ, उसमें अखिलेश यादव की बड़ी हार हुई है, क्या कारण रहा है इस हार का? देखिए, हमने ये बात छह महीने पहले कर दी थी कि अखिलेश और सेपाई का एक शकुनी प्रोफेसर पार्टी को खत्म कर देंगे और सेपई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया, नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया। आजमगढ़ में जाके परिवार खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की, ये तीनों चीजें एक शकुनी की सह पर अखिलेश ने खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी और इस देश में मोदी जी का, प्रदेश में योगी जी का झंडा फिर लहराएगा 24 में। अब आगे क्या स्थिति रहेगी? वैसे आगे हमने बता दिया, समाजवादी पार्टी खत्म, लड़ाई में भी नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी कहीं भी। मुसलमान टोटली जाएगा कांग्रेस में इस देश का और यादव भगेगा अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए अखिलेश जी ये भूल जाए, शकुनी के अगर कहे पर रहेंगे तो एक आध दो सीट आ जाएगी 27 में विधानसभा की, वो भी बिल्कुल चली जाएगी, समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। फिरोजाबाद में राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना को लेकर राठौर समाज के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान SDM को ज्ञापन सौंपा गया।
राजस्थान घटना के विरोध में राठौर समाज के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। राठौर समाज ने मृतक कन्हैया लाल के परिवार को न्याय दिलाने साथ ही साथ आर्थिक सहायता और परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में त्वरित गति सुनवाई हो और दोषियों को फांसी दी जाए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ फिरोजाबाद सिविल लाइन मुख्यालय दरबई SDM को राठौर समाज ने ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी फिरोजाबाद को ज्ञापन देने के बाद इस दौरान राठौर समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। और ज्ञापन सौंपा है कि जो कन्हैया लाल जी का बेरहमी से हत्या की गई है उसके बारे में हम मांग करते हैं कि जो दोषियों को तत्काल फांसी की सज़ा दी जाए और उनके कुछ संबंध पाकिस्तान के आतंकवादियों से जुड़े हुए मिले हैं, इस पर बहुत गहनता से जांच की जाए। हम लोग जो उदयपुर में कन्हैया लाल जी का बेरहमी से हत्या की गई है उसके संबंध में ADM को ज्ञापन दिया। क्या मांग रही है? मांग ये रही कि उनको न्याय दिलाया जाए और उनके परिवार की सुरक्षा की जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि सरकार दे। उदयपुर राजस्थान में जब कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई है उन हत्यारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला के और जल्दी से जल्द उनको फांसी होना चाहिए। उनके परिवार में एक लोग को नौकरी मिलनी चाहिए, उनके परिवार की पूरी मदद करनी चाहिए सरकार को। ये फिरोजाबाद जिला राठौर महासभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उदयपुर की घटना को लेकर रोष व्यक्त किया गया है, तो ज्ञापन प्राप्त कर दिया गया है और उचित माध्यम से इसको अच्छे से पहुँचाया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर शामली में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हिंदू वाहिनी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड पर आक्रोश जताते हुए जिले की कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम DM को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मृतक के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता, एक सरकारी नौकरी दिए जाने और हत्या आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग थी। क्या नाम है आपका? यशवीर सिंह जी, कलेक्ट्रेट में आए हैं आज, क्या पूरा मामला है दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ? ये अभी हमारे कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार जी थे ये राजस्थान में उदयपुर में, तो उनकी कुछ आतंकवादियों ने हत्या की है। अच्छा, धारदार हथियार से। तो हम ये, हमारी ये मांग है कि उन आतंकवादियों को सामूहिक तरीके से ही शूट किया जाए और जिस हथियार से उस भाई की हत्या हुई है उसी हथियार से उनको कतलाम किया जाए। सीधी सी बात है, सरकार से हमारी गुजारिश है और राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं मैडम के द्वारा, उनके द्वारा हम राष्ट्रपति जी को ये मांग कर रहे हैं कि उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक आदमी की सरकारी नौकरी उनकी होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनके परिवार को बता के उनका जो मकान है उस पर बुलडोजर चलाया जाए जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी ऐसी गतिविधि कोई आतंकवादी ना कर पाए, हमारी ये मांग है। मथुरा में जिला अस्पताल जंग का मैदान बन गया। दरअसल डॉक्टर और CMS के बीच मामूली विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई डॉक्टर्स भी देखे गए जो सामने बीच बचाव करते हुए नजर आए। मथुरा मार्ग स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय जंग का अखाड़ा बन गया। दरअसल स्टाफ डॉक्टर और CMS के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद ये विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। इस दौरान ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस CMS का आज सेवानिवृत्त पर सम्मान होना चाहिए था उसकी जगह पर उनके साथ मारपीट की गई। वहीं इस दौरान दो महिला डॉक्टर भी मौके पर पहुंच गए जिन्होंने मामला शांत कराने की बजाय एक होकर CMS के साथ मारपीट शुरू कर दी। अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डॉक्टरों में झगड़े के दौरान जमकर लात घूंसे चले। इतना ही नहीं, CMS के ऑफिस में लगे CCTV कैमरों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद CMS अपनी शिकायत लेकर थाना जैत पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही CMO डॉक्टर अजय वर्मा मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी हासिल की। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश जारी है।
सर मैं और डॉक्टर अशोक की एक बार देख लें व्यवस्था। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि ना तो मेरी सीएमएस साहब से बात हुई है ना ही डॉक्टर दिलीप से बात हुई। सीसीटीवी कैमरे के चीजें तोड़ दी गई हैं, सीसीटीवी कैमरे। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ना जब तक उनसे बात नहीं हुआ है ना। कुछ विवाद हुआ ये मेरी जानकारी में आया है, लेकिन विवाद सुलझ जाएगा, आपसे विवाद है सुलझ जाएगा। बता रहे हैं चौकी पर वो एप्लीकेशन देने गए, अब वो भी नहीं, मेरी जैन साहब से भी बात नहीं हुई है, उनसे भी नहीं हो पाई है, लेकिन सुलझ जाएगा, कोई बड़ा विवाद नहीं होता है। तो ये माने विवाद हुआ है डॉक्टर? हाँ ये तो मैं पता लगा कि आकर के विवाद हुआ है। और अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक मुझे ये ना पता रहे विवाद का कारण क्या है, विवाद क्यों हुआ है और गलती किसकी है, जब तक ये ना पता लगे तब तक कोई इस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं रहेगा। सुनने में आया लेनदेन को लेकर भी कुछ। रामपुर में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 करोड़ रुपए नगद के साथ एक दो कार सवारों को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बुधवार रात रोडवेज के निकट से सूचना के आधार पर एक कार को रोक लिया, जिसके बाद कार की तलाशी के दौरान पुलिस ने कार से 2 करोड़ रुपए नगद बरामद किए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस रुपयों सहित कार सवार 2 लोगों को थाने ले आई, जिसके बाद दोनों से पुलिस ने पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में 2 लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और ना ही रकम संबंधित कोई दस्तावेज दिखा सके, जिसके बाद पुलिस ने मामला आयकर विभाग के हवाले कर दिया, जिसको लेकर फिलहाल आयकर विभाग की ओर से पूछताछ जारी है। बता तो दिया, प्रथम दृष्टया संदिग्ध है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पेपर नहीं है, कोई रेमिटेंस का पेपर नहीं है, कहीं से लेने कहीं से देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये तो कैरियर है सिंपली ना, इनका तो पैसे ही नहीं है, पैसा तो उनका है, जिसका है वो बताएगा। इन लोगों के नाम क्या है? इन लोगों का नाम एक का है संजय कुमार, सना स्वर्गीय बैद्यनाथ मिश्रा, दरभंगा बिहार। दूसरे हैं दीपक कुमार, सनाब रमेश चंद्रा, कर्नाटक को कटक उड़ीसा, ये वहाँ के रहने, दे आर एम्प्लॉय सिंपली, इनके इनके ओनर्स हैं, वो जवाब देंगे इनका और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हिसाब करेगा इसका। ठीक, थैंक यू। यहाँ से दिखा रहे हैं आप चेकिंग? चेकिंग में यही रोडवेज के पास, हाँ बिशलपुर चौराहा जो होगा, जो बिलासपुर बिलासपुर। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।